बीजेपी का स्थापना दिवस है। हमारे संवाददाता शशिमोहन शर्मा गुलाब सिंह कटारिया से बात कर रहे हैं, सुनते हैं। नेहरू ने देश को गलत रास्ते पे ले जाना जब शुरू किया, तो उस प्रारंभ में जब नेहरू का डंका बजता था उसके सामने इस चुनौती को हमने खड़ा किया। लोग सोचते थे संभव नहीं होगा, हमने कहा नहीं, हमारा सोच सही है, आज नहीं कल जनता स्वीकार कर किया। और उसके बाद जनता पार्टी के समय में भी सरकार फिर टूटी, और टूटने के बाद इस भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना की है वो हमारे मूल्यों के लिए स्थापित की, जिस संस्कारों में हम पल करके देश बनाना चाहते थे उसमें जब हमको लगा कि आरएसएस में से और पार्टी में से चुनो, हमने कहा राज हमें नहीं चाहिए, हमें उस विचारधारा चाहिए जिस विचारधारा के लिए हम चले थे। और आज उसी विचारधारा का 4200 वर्ष मना करके वो जो भारतीय जनता पार्टी जो समय जनता पार्टी से अलग हुई थी, लोग सोचा इनका कोई भविष्य नहीं होगा। हमने वो दिन भी देखा जब हम दो रह गए थे लोकसभा में, और आज हम जनता के बहुमत के आधार पर काम कर रहे हैं, और आगे भी विश्वास है जनता देश निर्माण के बारे में हमसे अब दो कदम आगे चलने लगी है, इसलिए निश्चित रूप से उसका जो भविष्य है बहुत अच्छा लगता है। दो सांसदों से 17 राज्यों तक पार्टी पहुंची है, आगे क्या स्वरूप देखते हैं पार्टी? देखो निश्चित रूप से हम जिस उद्देश्य के लिए चले वो उद्देश्य अगर हमने मजबूती से पकड़कर इस राज्य को सेवा का माध्यम बनाया, केवल पद प्राप्ति का नहीं बनाया, और ईमानदारी से काम किया, तो जनता हमको भी उठाएगी और देश को भी ऊपर उठाएगी। आपने अपने संबोधन में भी कहा कि केवल कुर्सी चाटने वाले लोग हम है ही नहीं, हम इसके लिए निकले नहीं, न कभी ये सोच है। जिस दिन ये सोच आ जाएगा उस दिन हमारी कमजोरी आएगी। हम देश निर्माण के लिए चले हैं और इसलिए प्रभु हमको मौका देगा तो हम उसको करेंगे। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि एक पार्टी वो है जो राष्ट्रभक्ति सिखाती है और एक पार्टी वो है जो परिवार भक्ति सिखाती है। निश्चित रूप से इसी कारण से कांग्रेस की दुर्गति हुई है। अगर कांग्रेस इस प्रकार की गलत नीतियों को अपनाते हुए नहीं चलती तो आज उसकी इतनी दुर्गति नहीं होती। उसका कारण है कि तुष्टिकरण ने उसको मारा, और जिस तरह से आपने देखा होगा कि एक ऑर्डर निकला है कि रमजान के समय में लाइट रहनी चाहिए, तो बाकी लोगों के त्योहार को भले ही उड़ने चाहिए, क्या मतलब, क्या कहना चाहते तुम? ये तुम ऐसी बातें कहकर के तुम निश्चित रूप से जनता के मन में विद्वेष पैदा करने का, और तुम इस विद्वेष के आधार पर राजनीति की इतने सालों तक, अब उसके दिन लग चुके। कटारी जी, आप भी पन्ना प्रमुख बन गए हैं क्या? कहां की जिम्मेदारी? मैं भी पन्ना प्रमुख बन गया हूँ उदयपुर का। मैं मेरे वार्ड में भी मैं पन्ना प्रमुख हूँ, और मुझे भी उन्होंने लगभग जो है ना 75 वोट मुझे दिए। तो आपने सुना, ये थे नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया जो कह रहे थे कि पार्टी किस तरह से आगे बढ़ रही है, किस मजबूती के साथ में आगे बढ़ रही है, और आगे पार्टी का क्या स्वरूप वो कल्पना करके रखते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी राष्ट्रभक्ति ही सिखाती है और इसीलिए पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। बिल्कुल शशि, हम देख पा रहे हैं कि बहुत जश्न है और सारे जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक बड़ी उपलब्धि भी है। दो सीटों को जीतने वाली पार्टी आज बहुमत की सरकार बना चुकी है, कई राज्यों में कमल खिला चुकी है। कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में इसको लेकर? देखिए, कार्यकर्ताओं में तो यहाँ उत्साह है ही। अभी जो रैली निकाली गई उसमें भी हमने कार्यकर्ताओं का उत्साह देखा, और उससे पहले जो कार्यक्रम हुआ झंडारोहण का और पूजन का, उसमें भी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखा। पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ बढ़ चढ़ करके शामिल होता है। हम इन्हीं से बात करते हैं। अविनी जी, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है स्थापना दिवस जी? आप देख सकते हैं कि आज पहली बार इतना विशाल कार्यक्रम पार्टी कार्यालय में हुआ है। हर बार कुछ ना कुछ होता है, लेकिन इतनी भारी संख्या में कार्यकर्ता और अलग अलग कोने से आए हैं, बिना बुलाए आए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको बैठक कर करके बुलाया गया है। तो बहुत उत्साह है, और पार्टी जहां पहुंची है, खासकर यूपी चुनाव के बाद में हमारा उत्साह और बढ़ गया है। और अब जो राजस्थान के चुनाव आ रहे हैं उसके बाद में आप देखिएगा 2 साल बाद में यहां पे कैसे हम अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। तो कमर, आपने सुना कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और जो बात कही गई कि कार्यकर्ता यहाँ पर बिना बुलाए आए हैं, और यही कारण है कि कोई पार्टी तभी मजबूत होती है जब लोग उससे स्वस्फूर्त भावना से जुड़ते हैं। जी कमर, बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब एक रणनीति भी बनाई जा रही है कि आगे अब कैसे चला जाएगा, और फोकस खास तौर से राजस्थान का जो 2023 का चुनाव है शशि, उस पर है पार्टी का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शशि, दोबारा मैं आपसे जुड़ूंगा।